the title of this subject matter is legal GK. This is the title. This is the title. The heading title should be given. इसको आप टाइटल दे दीजिए. दिस इज नोन एज लीगल जी के. यू सी नाउ दिस लीगल जी के इज अ पार्ट ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट आई मीन ऑल द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस स्पेशली आई मीन द दिल्ली जुडिशियल सर्विस. यू सी ये तो ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल ऑफ जी के है. नाउ आई हैव सब डिवाइडेड दिस लीगल आई मीन जी के दिस पोर्शन इंटू फाइव इम्पॉर्टेंट यूनिट्स. यू सी आप घर पर भी इसी तरह से इसको प्लीज आई मीन गो थ्रू लाइक दिस. There are five important units of this title, the subject matter legal GK. तो आप यू प्लीज ड्रॉ ए लाइन. यस प्लीज ड्रॉ ए लाइन. एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए. आई मीन दिस इज द लाइन विच यू हैव टू ड्रॉ. द फर्स्ट दिस इज नोन एज आई मीन दिस इज नोन एज यूनिट नंबर वन. This is known as unit number वन. और I hope आपको कोई matter भी मिला है इसमें. Yes, unit number आप जरा सा verify कीजिएगा, है ना. This first is unit number वन. This is unit number वन. Now this unit number वन is very important. You see. This unit number one is subtitled as, and this is subtitled as some important facts. Iska title ho gaya some important facts. ये पहला टाइटल हो गया इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट. अब जरा सा आप काइंडली ध्यान दीजिएगा. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट. यानी ये जो आई मीन दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके. स्टैटिक जी के इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान बिकॉज देर आर सर्टन मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइड. यू सी दिस इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट. नाउ अंडर दिस हेड दिस इज सब डिवाइडेड इंटू है ना. फाइव पार्ट्स ABCDE इसको पांच भाग में आप बांट दें और यहां भर दें. देखिए यहां पर पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए. आई मीन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट ऑन दिस पार्ट ऑफ आई मीन द प्लानिंग. फर्स्ट इज जो एम है यहां पर आप लिखिए है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड फैक्ट्स. जी अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आप कुछ कुछ पढ़ी होंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर आप लिखिएगा है ना CJI रिलेटेड और इसी तरह से पढ़िए CJI एंड रिलेटेड है ना फैक्ट्स. ये एक पोर्शन CJI एंड रिलेटेड फैक्ट्स. तो पहला हो गया CJI इन रिलेटेड फैक्ट्स. बी हो गया है ना सम फैक्ट्स अबाउट ये बी हो गया. तो ये हो गया सम फैक्ट्स अबाउट है ना हाई कोर्ट.
कुछ तो आप जानते होंगे और शायद कुछ नहीं भी जानते होंगे. ये सेकेंड, आई मीन दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट पोर्शन. यू सी सम फैक्ट्स अबाउट, है ना, हाई कोर्ट. थर्ड पार्ट जो हो गया वो हो गया आपको लीगल बुक्स एंड ऑथर्स. लीगल बुक्स एंड ऑथर्स. सो आई एम कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू दी, आई मीन द एंटायर सब्जेक्ट मैटर, द एंटायर सब्जेक्ट मैटर दैट इज लीगल जीके. तो दिस इज, आई मीन आइटम नंबर सी. आइटम नंबर सी इफ यू कैन सी, होल प्लानिंग को सामने रखिए और ऐसे ही पढ़ने का कोशिश कीजिए. दी आइटम नंबर सी इज सम लीगल बुक्स ऑब्लिक ऑटोबायोग्राफीज. सम लीगल, बट लीगल स्पेशली लीगल, लीगल बुक्स एंड ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑथर्स. ऑथर्स करिए. डी पोर्शन पर आइए, है ना. डी पोर्शन इज फर्स्ट इन इंडियाज, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया. तो फर्स्ट इन इंडिया में आप डॉट करके गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. अब कैसे कवर कीजिएगा, लेट अस सी हाउ यू हैव टू कवर इट अप. यू सी, लेट अस सी. और लास्ट है, है ना, सम इम्पॉर्टेंट लीगल. ये भी लीगल पर ही है. सम इम्पॉर्टेंट लीगल, सम इम्पॉर्टेंट लीगल कमीशन, लीगल कमीशन एंड कमिटीज. सम इम्पॉर्टेंट लीगल कमीशंस. तो एक पार्ट, यानी दिस इज, आई मीन द पार्ट ऑफ, आई मीन यूनिट नंबर वन. यू सी, अब आपको इस पर खोज, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इन टू, है ना, सम इम्पॉर्टेंट कमीशन, कमीशन एंड कमिटीज. लीगल, लीगल वो भी लीगल. सम इम्पॉर्टेंट लीगल कमीशन एंड कमिटीज. यू सी, है ना. यस, डी पार्ट इज फर्स्ट इन इंडिया डॉट डॉट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. फर्स्ट इन इंडिया डॉट डॉट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. एक तो ये पार्ट हो गया. सो दिस इज नोन एज यूनिट नंबर वन. जो आप घर पर पढ़ेंगे, पहले यहाँ कन्फाइन कीजिए अपने आप को, है ना. पहले यहाँ कन्फाइन कीजिए. यू शुड नो द इंटायर रेंज ऑफ योर स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल. पहले जानोगे नहीं कि कहाँ तक कैसे पढ़ना है, तभी इन्वेस्टिगेट पढ़ता हूँ. तो दिस इज, आई मीन certain facts of under the headings. This is, I mean, certain facts under the heading unit number one. Unit number one. Unit number one is followed by the next one. दो तीन पहले रख लेते हैं. This is unit number two. इसलिए आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अब आप अध्ययन इस दृष्टिकोण से करें इस दो चार दिन में, है ना. आप इस दृष्टिकोण से प्लीज़ यू इन्वेस्टिगेट इनटू इन द बैकड्रॉप ऑफ दीज फाइव यूनिट्स. यू सी, तो फाइव यूनिट्स में सेकेंड जो यूनिट है, वो सेकेंड जो यूनिट है वो है लीगल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट. ये हो गया सेकेंड यूनिट, लीगल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट, लीगल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट. तो लीगल न्यूज़ और डेवलपमेंट में आप अगर देखेंगे, इफ यू विल गो थ्रू, बहुत सारा लीगल न्यूज़ अभी आया है, लीगल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट. और उसके बाद देन यू हैव टू कम टू यूनिट थ्री. दिस इज यूनिट थ्री. यूनिट थ्री है आपको इम्पॉर्टेंट लीगल केस लॉज. तो केस लॉज को दो भाग में रखिएगा. दिस इज यूनिट नंबर थ्री, है ना. इम्पॉर्टेंट केस लॉज. यू सी, इम्पॉर्टेंट केस लॉ, है ना.
और वो भी कह रहे हैं, हम यू सी आई एम कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू आई मीन इम्पॉर्टेंट लीगल केस लॉज, यू सी आई एम कन्फाइनिंग आई मीन टू इम्पॉर्टेंट लीगल केस लॉज, यू सी लीगल केस लॉ, जैसे उदाहरण के तौर पर यानी फॉर एग्जाम्पल यू सी, जैसे हो सकता है आपसे पूछे है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, ये एक डिसीजन 2023 का ही केस है। उसी तरह से डीमोनेटाइजेशन पर कौन सा केस, तो जो भी लीगल केस लॉ है आप पहले कॉन्फाइन कीजिए लीगल केस लॉज में। जो भी लीगल केस लॉज है तो केस लॉज में आप इसको दो भाग में पार्ट, ये हो गया पहला, हो गया सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हो गया दिल्ली हाई कोर्ट। इस दोनों को टच कीजिएगा इम्पोर्टेंट दोनों, बिकॉज यू विल बी फेसिंग आई मीन दिल्ली हाई कोर्ट, तो इसलिए थोड़ा सा टच कीजिएगा दिल्ली हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये दोनों जो कवर करेगा, ये दोनों जो कवर करेगा कम से कम 20-21 है ना, 22 नहीं हो तो 21, 22 और 23 को जरूर कवर कीजिए। ये दिस इज यूनिट नंबर आई मीन 3, दी सेकेंड लास्ट यूनिट। नाउ दिस इज दी सेकेंड लास्ट यूनिट, दिस इज यूनिट नंबर 4, दिस इज यूनिट नंबर 4 है ना। अब कैसे पुटअप कीजिएगा इसको, हम पहला जो शुरू करेंगे है ना उसको आप देखिए। यूनिट नंबर 4 इज इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन से कुछ क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन आप पूछिएगा, श्रीमान नमूना भी बताते जाइए इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे इंटरनेशनल लीगल क्षेत्र में, यस कैन समबडी टाइप इन यूनिट 1 पॉइंट्स, यू सी अंबिका शर्मा, यूनिट 1 में हमने जो सब टाइटल दिया है प्लीज़ है ना, यस वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट, जिसको ए बी सी डी और ई में बांट दिया मैंने है ना, ए बी सी डी और ई में हमने बांट दिया है यूसी। यानी आप देखिए ये है ना विपुल गुज्जर ने लिख दिया है। अब आप देखिए ये यूनिट नंबर 4 है ना, यूनिट नंबर 4 में आई हैव कवर्ड और वी शुड कवर, रादर यू शुड पुट इट लाइक दैट है ना, आई हैव कवर्ड एंड वी शुड कवर है ना दी इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू द इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम जितना कवर दो दिन में हो पाएगा उतना कवर करेंगे, अदरवाइज आप इस प्लानिंग से मूव कीजिएगा। मेरे को 4 दिन मिलेगा तो इट इज़ बेटर, नहीं मिलेगा तो हम 2 दिन में जितना कवर कर पाएंगे वो आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो आई मीन यूनिट नंबर 4 है, इसका नेचर देखिए, यूनिट नंबर 4 कह रहा है ना इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस, वहाँ पर लिख दीजिए। यानी आप घर पर जो पढ़ेंगे वो नेचुरली इसको टच करेंगे। क्यों टच करेंगे, क्योंकि मान लिया आपसे पूछ दिया है ना कि किस ऑर्गेनाइजेशन को चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है, मान लिया आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ आई मीन मेंबर्स इन यूएनओ कितना, अभी वर्तमान टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है यूसी, आपसे पूछ गया व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, हो सकता है आपसे पूछे व्हाट इज दी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड, तो ये भी दिस इज ऑल्सो हमने इसको भी रखा है यू सी। जैसे विच वन इज दी इज कंसिडर्ड टू बी दी चाइल्ड ऑफ वॉर, आई मीन यू सी
है ना, इन बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स आई मीन लीग ऑफ नेशंस वेयर वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो लीग ऑफ नेशंस को चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। चार ऑप्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ है यूसी। तो क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट है, अभी हाल में हम इसको इंटरनेशनल लॉ जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमने कवर किया है इसको, हमने इसको कवर किया सब्जेक्ट के रूप में जो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है यूसी, यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर, यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर और टू लर्न, यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, येस यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न यूसी, यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। तो यूनिट फोर का जो सब टाइटल होगा, यूनिट फोर का जो सब टाइटल होगा वो सब टाइटल होगा लीगल, आई मीन स्टेटस ऑफ, यही सब टाइटल यूनिट फोर का होगा, लीगल सब स्टेटस। आई मीन देखिए आपके मैटर में सब होगा दिया हुआ, लीगल स्टेटस ऑफ, लीगल स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यू सी। लेकिन कुछ कुछ हमने उसमें परिवर्तन भी लाया है, लीगल स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यू सी, लीगल स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यू सी। तो ये हो गया यूनिट फोर, दिस इज यूनिट फोर। तो इसमें लिख दीजिएगा विथ ब्रैकेट में विथ स्पेशल रेफरेंस टू आई मीन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही लिखिएगा विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इम्पॉर्टेंट, एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिलेटेड टू, है ना, वो है करंट लीगल जीके, करंट लीगल जीके कर दीजिए उसको, लास्ट रिसेंट लीगल जीके, रिसेंट करंट लीगल जीके, है ना, लास्ट में इसको यहाँ पर पुट अप कीजिएगा। तो ये एक्चुअली प्लानिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी पार्ट होगा जीके में, इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो तो आप इंग्लिश के टीचर से पूछिएगा। यहाँ पर आई मीन दिस इज दी, दिस इज द लास्ट वन इज यूनिट फाइव यू सी। सो लेट, ये है प्लानिंग यू सी। अब जो किताब आपको या कॉपी या नोट्स देखना है आप इसी लाइट में इसको डेवलप कीजिए, है ना। और मेरे को लगता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ओनली फोर और फाइव डेज। जैसे लेट अस स्टार्ट विद द आई मीन यूनिट वन, यूनिट वन से आप शुरू कीजिए। देखिए यूनिट वन में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। अब देखिए उसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी मैंने किया है। There are certain special, I mean interesting facts about Supreme Court. तो पहला हो गया यूनिट वन का ए हो गया, है ना, I mean some interesting facts about Supreme Court हो गया। देखिए Supreme Court में जब आप शुरू करते हैं तो पहला point तो ये हो गया you see, I mean the first point is inauguration of Supreme Court. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द डेट, यस व्हाट इज द डेट, 28th of January 1950, है ना, 28th of January 1950। तो 28th of January 1950, है ना, ये आपको, है ना, इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का केम इनटू फोर्स, है ना, व्हेन, तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26th ऑफ आई मीन जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। लेकिन कुछ प्रोविजन जैसा कि, यस, कुछ प्रोविजन,
कुछ प्रोविजन, आई मीन इमीजिएटली, मतलब आप पॉइंट बनाते जाइए हम जो बोल रहे हैं, अगर आपको याद है तब तो ठीक है, कुछ प्रोविजंस आई मीन कमेंस्ड इमीजिएटली, दैट कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था, इसको याद होगा आपको, है ना, कुछ प्रोविजंस आई मीन अ फ्यू प्रोविजंस आई मीन केम इनटू फोर्स एट वंस, यू सी, मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि अभी हाल में 26 नवंबर को, 26 नवंबर क्रॉस किया है, आई मीन दैट हैज़ बीन टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो क्वेश्चन यहाँ उठता है ये कि इसका दो नाम था, एक तो लॉ डे था और तब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन डे हो गया, तो लॉ डे पहले इसका नाम था लॉ डे, लेकिन 2015 से, यानी आप फैक्ट को जो लिखिएगा वो ये लिखिएगा सिंस 2015 ऑनवर्ड्स, है ना, दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कह रहा है काइंडली सी, है ना, 28 जनवरी, आई मीन द डेट इज, नाउ कम बैक टू द पॉइंट, यू सी, 28th of January 1950, है ना, the Supreme Court was inaugurated, you see, Supreme Court was inaugurated and the highest court of appeal was, I mean before it came into force, and the highest court of appeal was Privy Council, and a Privy Council 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट बिकेम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, उसके पहले द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वॉज प्रिवी काउंसिल, यू सी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में तीन ऐसा डेट है दैट यू ऑल नो, आई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड थ्री इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, यू सी, एक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नाउ यू विल आंसर मी, वन इज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और थर्ड है आपको इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950। अब आप देखिए यहां से क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट को, प्लीज काइंडली सी the contextual background, you see, first time in the year 1774 a Supreme Court was established in Calcutta, Haryana mein question aaya tha, Supreme Court was established in Calcutta, you see, by the Regulating Act of 1773, Supreme Court was established. A Chief Justice was also appointed. So, what is the name of the Chief Justice of, I mean, established Supreme Court in Calcutta? Yes, my friend. Likhiye, the Chief Justice was established, the Chief Justice was established in Calcutta Supreme Court. The name of the Chief Justice was Sir Elijah Impey, Impey, yes, correct, Sir Elijah Impey. Supreme Court से जो connected fact है उसको ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन हरियाणा जुडिशरी में आया था
सर एलिजा इम्पे, लेटर ऑन दिस नेक्स्ट डेट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ मेन पॉइंट, हम सिर्फ बोल रहे हैं द नेक्स्ट डेट इम्पोर्टेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नाउ बाय दिस एक्ट है ना, अ फेडरल कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश। तो इसका नाम धरा क्या है? इसका नाम दिया गया है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश, आई मीन द नेम इज, दिस इज नोन एज फेडरल कोर्ट। यू सी दिस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यू सी, और बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियाज फर्स्ट आई मीन चीफ जस्टिस वॉज, और इसके जो चीफ जस्टिस जो उसका नाम क्या था? ना, इसका जो आई मीन फेडरल कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ उसका चीफ जस्टिस कौन था? ना, इसका जो चीफ जस्टिस था वो था मॉरिस मॉरिस गुआयर, मॉरिस गुआयर है ना। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट आई मीन द फेडरल कोर्ट यू सी वॉज मॉरिस गुआयर। आपको फैक्ट्स ना कलेक्ट करना है। नहीं, कोई बात नहीं, वो हम आपको कहाँ कह रहे हैं और कौन होते हैं हम बोलने वाले यू सी। हाँ, तो आई मीन इनका जो पीरियड है वो है अक्टूबर 1, 1937 से लेकर अप्रैल 25, 1943 तक का पीरियड है। मॉरिस गुआयर की मैं बात कर रहा हूँ। अक्टूबर 1, 1937 टू अप्रैल 25, 1943 से है ना। ही वॉज दी फर्स्ट आई मीन बिफोर इंडिपेंडेंस यू सी ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द फेडरल कोर्ट। तो आप इस प्लीज काइंडली होल्ड योर पेन। तो क्वेश्चन एक ये उठ जाता कि श्रीमान जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद 1935 एक्ट के बाद, 1935 एक्ट के बाद है ना जो फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, तो दोनों में अंतर क्या है? यस, दोनों में अंतर क्या है? यू सी आई मीन दी सेकेंड क्वेश्चन, यस चिराग वशिष्ठ भूमिका खंडेलवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई मीन कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एंड द फेडरल कोर्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? यस, एक वन लाइनर है, आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस? यस, व्हाट इज द डिफरेंस? तो पूरा जो लीगल फेडरल कोर्ट हैज अ वाइडर जुरिस्डिक्शन। यस, फेडरल कोर्ट हैड अ वाइडर जुरिस्डिक्शन। देखिए एंड सी इज राइट टू अ वेरी आई मीन इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट आई मीन एक्सटेंट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1774 वॉज हैड अ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। उसका लिमिटेड जुरिस्डिक्शन था। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन मतलब इट वॉज कन्फाइंड टू आई मीन दी लिमिटेड एरिया ऑफ बंगाल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यू सी, क्योंकि पहला गवर्नर जनरल जो इस्टेब्लिश है ना, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना वो था विलियम बेंटिक। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बिकम आई मीन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यू सी। तो उसका जुरिस्डिक्शन तो वहीं तक सीमित था। आप इसको समझिए, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। जबकि द मोमेंट वी यूज द
एक्सप्रेशन, द मोमेंट वी यूज द एक्सप्रेशन फेडरल कोर्ट यू सी, और अभी भी हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट ही है। जैसे अगर आप कंपेयर करोगे, अब देखो जो जो चीज तुमको है ना लीगल जीके का लगा उसको साइड में नोट कर लोगे, जो जो लगेगा। और अभी भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आप देखिए, तो दिस इज ऑल्दो द नेम इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यू सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है, व्हाई इट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हाई नॉट व्हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? यस माय फ्रेंड, व्हाई इट इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यू सी इंडिया इसलिए कहा जा रहा है ना दो कारण से, आप समझिए। इट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ टू ऑब्जेक्टिव रीजंस, यू सी आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, चिराग वशिष्ठ, चिराग वशिष्ठ, यस यस करेक्ट। वन इज द वन रीजन इज आर्टिकल 141, क्योंकि आर्टिकल 141, अब जो आपको अच्छा लगेगा साइड में मार दीजिएगा। आर्टिकल एक तो हो गया रीजन आर्टिकल 141, तो 141 आई मीन स्टेट्स ऑब्जर्व्स दैट है ना लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका जो रेंज है पूरे भारतवर्ष का रेंज है, इसलिए दिस वॉज टर्म्ड एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यू सी है ना। एंड सो इट वॉज टर्म्ड। और सेकेंड एक रीजन और भी है, एक सेकेंड एक दस रीजन, देर इज वन मोर रीजन, यू सी एक सेकेंड जो रीजन है वो ये है दैट इन अदर वर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेडरल कोर्ट, ऑल्सो फेडरल कोर्ट है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेडरल कोर्ट है ना, दैट इज ट्रू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेडरल कोर्ट बिकॉज इट डील्स विथ आई मीन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 है ना, 131 में ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को है। अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ओरिजिनल एंड है ना द ओरिजिनल एंड है ना द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू डील विथ। आप अपना शॉर्ट में संक्षेप में कोई बात को लिखिएगा है ना, टू डील विथ है ना, टू डील विथ है ना ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू डील विथ फेडरल डिस्प्यूट्स। फेडरल डिस्प्यूट का मतलब हो गया केंद्र और राज्य में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डील करेगा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131। इसीलिए इसीलिए 1935 एक्ट, जहां से हम पूरा फेडरल सेटअप लिए हैं, द एक्ट ऑफ 1935, इसीलिए वो जो हमने एक तरह से उसको उतार दिया है, बल्कि यूं कहा जाए कि आई मीन 60-70% प्रोविजन जो है ना वो वर्बेटिम उतार दिया गया है एक्ट ऑफ 1935 से। इसलिए आप लिखिएगा कि उसको फेडरल कोर्ट जो कहा जाता है, आई मीन फेडरल कोर्ट इसलिए कहा जाता है कि दैट डेल्ट विद द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, यू सी, और आज भी वो डील कर रहा है। तो आप यहां पर मेंशन कर दें, आप यहां पर मेंशन कर दें, तो एक तो फैक्ट आपको यहां पर एक फैक्ट तो ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्ट, यू सी नेक्स्ट फैक्ट आई मीन ऑब्वियसली द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन दिस कनेक्शन वो है आपको द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट यू नो द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नेचुरली है ना हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया तो मेंशन कर दीजिए। अब आपने नोट्स में मेंशन कीजिए कॉपी में, लेकिन आप इसको लेकर बढ़िए
अने हरिलाल जेकानिया है ना, हरिलाल जेकानिया एंड द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, एंड द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज यू सी वॉज एन चंद्रशेखर आयर, इंद्र चंद्रशेखर आयर हु वॉज स्वॉर्न इन, जिसको शपथ दिलाया गया वॉज स्वॉर्न इन ऑन 23rd of September 1950 यू सी ये आई मीन दिस इज सुप्रीम कोर्ट का। जब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप ले रहे हैं तो ये नेक्स्ट फैक्ट ये हो गया, आगे बढ़िए। इसके बाद एक फैक्ट ये भी है, वो है दिस इज आई मीन है ना द सुप्रीम कोर्ट सील, एस ई ए एल सील, द सुप्रीम कोर्ट सील, तो यहाँ डैश करके आप अंडरलाइन कर दीजिएगा है ना, सील रिप्रोड्यूस फ्रॉम द व्हील ऑफ, रिप्रोड्यूस उसी को उतार दिया गया, रिप्रोड्यूस्ड, रिप्रोड्यूस फ्रॉम द व्हील ऑफ, व्हील ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका है ना, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका है ना, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका विथ 24 स्पोक्स, विथ 24 स्पोक्स, 24 स्पोक्स, यहां पर प्लीज काइंडली रेफर टू आर्टिकल 374 एंड 376। अगला फैक्ट में आप रेफर कीजिए ना आर्टिकल 374 एंड 376। यू सी एज पर आर्टिकल 374 है ना, एज पर आर्टिकल 374 the judges of the and as per article 374 of the Indian constitution you see yahan relevant hai legal gk ke roop mein and as per article 374 of the Indian constitution the judges of the federal court of the judges of the federal court of india you see the judges of the federal court of india and became the judges of the supreme court, became the judges of the supreme court and under article 376 of the indian constitution ek line mein mention kijiye, under article 376 of the indian constitution the judges and the judges of the high court in the british province, the judges of the high court in the british province you see, the judges of the high court in the british province, in the british province and the princely states, and the princely states and the princely states and became the high court judges, the high court judges of the newly integrated states, of the newly integrated states, newly integrated states, तो यानी है ना उस समय जो स्थिति थी वही लोगों ने पहले शपथ लिया यूसी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हुआ। आगे बढ़िए, एक फैक्ट ये भी है, एक फैक्ट इस संदर्भ में आई मीन देर इज वन मोर फैक्ट, वो है आई मीन स्ट्रेंथ ऑफ आई मीन सुप्रीम कोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट यू सी, स्ट्रेंथ ऑफ द सैंक्शन पोस्ट ऑफ आई मीन स्ट्रेंथ ऑफ लीगल जीके के अंतर्गत आप मेंशन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द आई मीन यस करेक्ट यू आर भूमिका, लेकिन आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन यू सी, स्ट्रेंथ ऑफ आई मीन द है ना जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है ना, दिस इज आई मीन स्ट्रेंथ जब हम कहेंगे तो है ना आपको इनिशियल स्ट्रेंथ था कितना, इनिशियल आई मीन फर्स्ट लेवल पर कितना स्ट्रेंथ था, तो लिखिए 7+1, और जो
रिसेंट 2000 परहैप्स 19 में इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है ना, 2019 में नंबर ऑफ जजेस है ना इन द सुप्रीम कोर्ट ये जो पास हुआ उसमें इंक्रीज हुआ, तो अब हो गया है 33+1+1 मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज स्ट्रेट, ये तो फैक्चुअल हो गया। डिटर्मिनेशन, क्वेश्चन ये है हु डिटरमाइंस, क्वेश्चन एक्चुअली लीगल जीके में ये है हु डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ये क्वेश्चन ये है। यस चिराग बाबू, हे चिराग बाबू बताइए हु डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ है ना स्ट्रेंथ ऑफ आई मीन द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चिराग बाबू बताइए। दिस इज प्रेसिडेंट यू सी, नो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट यू सी, दिस इज नॉट एग्जैक्टली यस। आप यहां पर लिखिए सो फार द स्ट्रेंथ ऑफ, अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखिएगा सो फार द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द जजेज ऑफ द आई मीन सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न यू सी। The ultimate source of the ultimate power lies with the parliament, you see. The ultimate power lies with the parliament to determine the strength of Supreme Court judges. Are you getting my point, you see? Are you getting my point? Poor man like me, you see. Huh? But who determines the strength of the High Court? तो यहां पर आप लिखिए कि पार्लियामेंट नहीं है, यहां पर द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, प्लीज काइंडली गेट माय पॉइंट, अंडर आर्टिकल 216 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू सी, अंडर आर्टिकल 216 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय is that it is fixed or determined by the president. So there is a difference. There is a difference. आगे बढ़िए, अगला जो पक्ष है, अगला जो पक्ष है वो है एज ऑफ रिटायरमेंट, तो 65 और 62 रेस्पेक्टिवली कर दीजिए, आई मीन 65 एंड 62, तो 65 हो गया सुप्रीम कोर्ट और 62 हो गया हाई कोर्ट, तो आप उतना मत लिखिए, 65 एंड 62 रेस्पेक्टिवली कर दीजिए, 65 एंड 62 रेस्पेक्टिवली यू सी, रेस्पेक्टिवली यू सी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो अपॉइंटमेंट हो गया, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड जजेस एंड द रिस्पेक्टिव जजेस, दो चीज हो गया है ना, तो ये आप जान रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप लिख दीजिए इट इज अ कन्वेंशन बेस्ड ऑन रूल ऑफ सीनियोरिटी, दैट्स ऑल, इट इज अ कन्वेंशन बेस्ड ऑन रूल ऑफ सीनियोरिटी। कल क्लास 2 घंटे का रखवाइए, हालांकि सुनता कोई नहीं है सर, हाँ ठीक बोल रही है, हंस रही है, हम समझ गए क्यों हंस रही है। तो आप यहां पर मेंशन कीजिए, कल फ्री भी हैं हम, तो आप मेंशन कर दीजिए, यू शुड मेंशन इन दिस कनेक्शन है ना, आप यहां मेंशन कर दीजिए दैट है ना दैट द अपॉइंटमेंट
of Chief Justice of India is a convention based on rule of seniority. एकदम summary में लिखिए, based on convention है, convention मतलब tradition, and based on rule of seniority. Rule of seniority आप यहाँ पर base कीजिए, rule of seniority, based on rule of seniority, and है ना, the appointment of the judges of the Supreme Court and High Court, इसको साथ में लिख दीजिएगा, and the respective appointment of the judges of the Supreme Court and High Court, and the respective appointment of the judges of the Supreme Court and High Court, I mean, is based on the collegium system of appointment. Collegium system of appointment, है ना, आपको याद होगा, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट वॉज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ थ्री जजेस केस, है ना, थ्री जजेस केस, आप सिर्फ लिखिए थ्री जजेस केस, इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री जजेस केस, यू सी, थ्री जजेस, घर पर इसको वेरीफाई कीजिए, इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री जजेस केस, यू सी, थ्री जजेस केस, एंड दे आर रिमूव्ड अंडर आर्टिकल, है ना, दे आर रिमूव्ड अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड 5, यही लिख दीजिए, दैट्स ऑल, एंड दे आर रिमूव्ड अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड 5, अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड 5, यू सी, यहां पर अगला जो आइए, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कनेक्शन, यू सी, द नेक्स्ट आई मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कनेक्शन, यू सी, हमारे यहां जो चीफ जस्टिस का जो लिस्ट है, अब दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक बार तो ये क्वेश्चन पूछेगा, किसी ने आंसर नहीं किया, दो चीज यहां पर अब इंपॉर्टेंट है, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स अबाउट, एक तो हो गया कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू सी, तो पहला फैक्ट तो यहां पर आप ये दीजिए, है ना, दैट नेम द पर्सन, नेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू सी, उस, ये तो ऑलवेज क्वेश्चन पूछा है, नेम द, आई मीन जरा सा इसको समझिएगा, अभी एक चीज शायद आंसर आप नहीं कर पाइए, है ना, नेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, हु अज्यूम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, द ओनली केस, दिस इज द ओनली एग्जाम्पल, वो है एम हिदायतुल्ला, वो है एम हिदायतुल्ला, तो आप एम हिदायतुल्ला में, है ना, सर्वड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट डेट दे दीजिए, एम हिदायतुल्ला में डेट को अंडरलाइन कीजिए, यू सी, है ना, 20 जुलाई 1969 टू अगस्त 1969, 24th of August 1969, है ना, क्वेश्चन ये उठता है कि एम हिदायतुल्ला ने जो, अब इसको स्टॉप योर, होल्ड योर पेन, एम हिदायतुल्ला ने जो चार्ज को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो एज्यूम किया, तो किस बेसिस पर किया, क्या कोई प्रोविजन है ऐसा, ये बात आई मीन भूमिका खंडेलवाल से और है ना अंबिका शर्मा से और हर्षवर्धन से मैं पूछना चाहूंगा, आई एम सॉरी आई हैव आस्क्ड यू, आखिर किस बेसिस पर इनको उस पद पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, है ना, पदस्थापन किया गया, 126 नहीं, दैट इज गाइडेड बाय भूमिका, दैट इज गाइडेड बाय आर्टिकल 70, देखिए 70 में लिखा है ना, टू मीट कंटीजेंसीज, कंटीजेंसीज में पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है कि इन केस
अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का ऑफिस खाली होगा तो चीफ जस्टिस विल टेक द, तो आप लिखिए कोट अन कोट है ना, आई मीन द बेस आर्टिकल, द बेस प्रोविजन इज, द बेस प्रोविजन इज आर्टिकल आई मीन 70, द बेस प्रोविजन इज आर्टिकल 70 यू सी। एक तो फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आता है, सेकंड, दूसरा जो फैक्ट है सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द सेकंड इंपॉर्टेंट, द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु आई मीन एक्सपायर्ड इन ऑफिस, ऑफिस के दौरान ही उनका देहांत हो गया, तो लिखिए डैश करके सब्यसाची मुखर्जी, सब्यसाची मुखर्जी है ना, सब्यसाची मुखर्जी है ना। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेम द टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेम द टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा, यू सी, हु ऑल्सो आई मीन अज्यूम्ड द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा। तो यहां पर लिखे नंबर वन एंड टू, पहला लिखिएगा है ना, वो है ना, रंगनाथ मिश्रा, तो लिखिएगा ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु आफ्टर रिटायरमेंट वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 1998 टू 2004, दैट इज देयर। एक जगह फैक्ट्स को रख लीजिए, अरे कोई तो कोई पांच ठो लड़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आइए, दी सेकेंड वन इज रंजन गगोई, लेकिन रंजन गोगोई इज नॉट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही इज द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में, इसलिए लिख लीजिए है ना, रंजन गोगोई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू सी है ना, इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, द फर्स्ट चीफ जस्टिस टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा यू सी। The first Sikh to become Chief Justice. तो Justice Kehar, आप लिखिए Justice, Chief Justice of India, Justice J.S. Kehar. J.S. Kehar, followed by the next important one is expired में एक और ऐड कर दीजिए, कानिया भी ऑल्सो एक्सपायर्ड, जे आई मीन जे हरिलाल जे कानिया एक्सपायर्ड इन ऑफिस में, उसको ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, जज विथ लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो नेचुरली इनके बाप, इनके पिताजी, तो आप लिखिए वाई बी चंद्रचूड़, वाई बी चंद्रचूड़ को लिखे 1978 से 1985 तक, और नीचे लिखेगा 1978 टू 11th जुलाई 1985 तक, और तब आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में शॉर्टेस्ट टेन्योर, तो नेचुरली जस्टिस केएन सिंह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शॉर्टेस्ट टेन्योर जस्टिस केएन सिंह, केएन सिंह आई मीन 25th of November, केएन सिंह दैट इज 25th of November, दैट इज 25th of November 1991 टू 12th of December 1991, 12th of December 1991 you see। त
तब क्वेश्चन ये उठता है कि एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लॉन्गेस्ट टेन्योर की, तो नेचुरली पीएन भगवती। एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लॉन्गेस्ट टेन्योर है ना इज दैट ऑफ एंड जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती। उसके बाद लिखे जजेस हु कंटेस्टेड इलेक्शन, जजेस हु कंटेस्टेड इलेक्शन, जजेस हु कंटेस्टेड इलेक्शन, कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यू सी कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आप तीन नाम दीजिए, जस्टिस के सुब्बाराव, जस्टिस एच आर खन्ना। एच आर खन्ना आपको याद होगा, जैसे एच आर खन्ना का जब नाम आता है तो दो चीज के दृष्टि, दो दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एच आर खन्ना, एक तो एच आर खन्ना को सुपरसीड किया गया था, आई मीन ड्यूरिंग मिसेस गांधीज टाइम एच आर खन्ना सीनियर मोस्ट को, इनको सुपरसीड करके, ही वॉज एक्चुअली सुपरसीडेड, सुपरसीडेड, और जस्टिस एन रे जूनियर को बना दिया गया था। पहली दफा ब्रेक किया गया था आपको रूल ऑफ सीनियोरिटी को, दो बार ऐसा ब्रेक हुआ है ना। तो एच आर खन्ना वॉज केम इन टू लाइमलाइट बिकॉज ऑफ हिज रेजिग्नेशन ऑन अकाउंट ऑफ दिस सुपरसेशन। यू सी His resignation on account of this supersession, you see. On account of this supersession, you see. On account of this supersession. यहां पर आप देखिए, if you see, ये जो supersession की मैं बात कर रहा हूं है ना, इफ यू काइंडली सी है ना, तो एक तो इसलिए चार खन्ना, इसलिए ब्रैकेट में लिख लो, आई मीन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्सनैलिटी। और सेकंड जो इनका इंपॉर्टेंस है वो है, द सेकंड इंपॉर्टेंस इज केशवानंद भारती केस में, इनका केशवानंद भारती केस है ना, केशवानंद भारती केस जजमेंट से एसोसिएटेड, ही इज एसोसिएटेड विथ, आई मीन द जजमेंट, द फेमस जजमेंट ऑफ, आई मीन फंडामेंटल राइट्स केस, जिसका नाम है द फंडामेंटल राइट्स केस है ना, फेमस जजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स केस विच इज नोन एज केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस 1973। यू सी तो एच आर खन्ना, और तीसरा नाम दीजिए जस्टिस वी कृष्ण अय्यर, ये तीनों कंटेस्ट किए थे है ना, कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यू सी कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यू सी आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन ये भी उठता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक तो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना ऑन अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियन सिस्टम, लेकिन फ्रॉम बार टू बेंच भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां से डायरेक्ट आपका हो गया। तो क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, आप ऊपर हेडिंग दीजिए है ना, जजेस अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बार, उसका नाम एक जगह आप देखिए, उसमें नाम होगा। यस, व्हाट आर दोज, प्लीज टेल मी, वाज द फर्स्ट हु वाज अपॉइंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बार? नहीं नहीं, फर्स्ट ही वॉज नॉट द फर्स्ट,
आई मीन देर आर ऑल टूगेदर सिक्स और सेवन परसेंट्स यू सी, देर आर ऑल टूगेदर सिक्स और सेवन परसेंट। जैसे फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट की बात करेंगे जो डायरेक्टली फ्रॉम द बार अपॉइंट हुआ, वो है जस्टिस एस एम सिकरी, रिटायर्ड एज चीफ जस्टिस एस एम सिकरी। एज यू ऑल नो, सिकरी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू सी, है ना, जस्टिस एस एम सिकरी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विद द फेमस बेरूबरी केस 1960। बेरूबरी केस में ना दो डिसीजन हुआ था, दो जो डिसीजन हुआ था बेरूबरी केस में, वो दो डिसीजन ये हुआ था, प्लीज काइंडली सी। एक डिसीजन तो ये हुआ था बेरूबरी केस में, क्या डिसीजन हुआ था? यस यस यस, इधर ध्यान दो। यस, क्या डिसीजन हुआ था बेरूबरी केस का? नाम सुने हो? यस, ना, क्या है, व्हाट इज दैट? यस, व्हाट इज दैट? यस, तुम्हारा नाम क्या हुआ? हाँ, अदिति। यस अदिति, यू विल टेल मी व्हाट इज दी आई मीन इम्पोर्टेंस ऑफ आई मीन बेरूबरी केस। आपके अनुसार इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज क्या था? यस करेक्ट, सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। एक तो इसमें बेरूबरी केस का यह डिसीजन हुआ दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज ओवर रूल्ड बाय केशवानंद भारती केस 1973। That preamble is a very much an integral part of the, एक तो यह important है बेरूबरी केस से, एक important fact तो यह है। और second important fact क्या है? Second important fact यह है that the decision of the बेरूबरी केस है ना, बेरूबरी केस actually issue यह था इसमें, आप जरा समझ लीजिए, issue यह था, इस सिकरी was associated with this case। इशू ये था इसमें कि एक वेस्ट बंगाल का बंजर लैंड एग्रीमेंट किए हम दे दिए थे, पाकिस्तान को दे दिए थे, तो इसका मतलब आपको जो बुझाएगा वो दे दीजिएगा। तो दैट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन विच केस? दैट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन, है ना, है ना, मगन भाई ईश्वर भाई पटेल केस 1970। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, मगन भाई ईश्वर भाई पटेल 1970 के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस केस में जस्टिस सिकरी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था प्रियम्बल के बारे में। यस, क्लास में हमने बताया है, तो वो है आपको, इट इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर, उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो पहला जो डायरेक्टली बार टू बेंच हुआ वो था जस्टिस एस एम सिकरी, पहला जो हुआ वो है, है ना, वो है जस्टिस एस एम सिकरी, ब्रैकेट में लिखे 64 to 73। दूसरा जो आपको डायरेक्ट हुआ वो है ना, वो एससी रॉय थे 1971 में। तीसरा जो डायरेक्ट हुए वो है जस्टिस कुलदीप सिंह 88 to 96। इट डायरेक्टली एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हुए। चौथा वो है जस्टिस संतोष हेगडे। ये क्वेश्चन, दो चीज जो अभी हम बता रहे हैं दोनों आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस संतोष हेगडे 1999 to 2005। नेक्स्ट जस्टिस रोहिंगटन नारीमन, जस्टिस रोहिंगटन नारीमन
नारीमन, ये हो गया 2014 से 2021, 2014 से 2021। नेक्स्ट है जस्टिस उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित 14 से 22। नेक्स्ट है जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एल नागेश्वर राव 16 से 22। नेक्स्ट है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, तो ये है 2018 to 2021। यहाँ पर विशेष बात, जो इंदु मल्होत्रा के साथ एक विशेष बात है, ये क्वेश्चन जुडिशियल सर्विस में आया हुआ था, वो विशेष बात ये है कि दी इन सबरीमाला केस, व्हाट इज द नेम ऑफ द केस अदिति, इन सबरीमाला केस व्हाट इज द नेम ऑफ द केस, यस द नेम ऑफ द केस इज यंग लॉयर्स एसोसिएशन। तो इंदु मल्होत्रा वॉज एसोसिएटेड विद दिस यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस। तो खास बात, क्वेश्चन जो आया था, आई मीन वो ये आया था, द क्वेश्चन विच केम इन दिस कनेक्शन यू सी, वो ये आया था कि हु गेव ए डिसेंट ओपिनियन इन सबरीमाला केस। डिसेंट समझते हो, DISENT, डिसेंट का मतलब क्या हुआ? यस कैन यू टेल मी, यस आज का लड़का बच्चा पढ़ता नहीं है, आई टेल यू, मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ा रहा था अभी, है ना, हमको एक भी सीरियस स्टूडेंट नजर नहीं आया। व्हाट इज दी कंटेंट, चेंजिंग कंटेंट एंड कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पढ़ के भी कोई नहीं आता है। पढ़ाई एक बोझ बन गई है, आज ना आपको नहीं लग रहा है, यू सी, कल रोइएगा, यू विल वीप, आज सीरियस नहीं होगा तो यू विल वीप टुमारो, जब ये आपका समय निकल जाएगा तब आपको लगेगा कि हम बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट यू सी, यू शुड बी अहेड ऑफ द क्लास, यू सी, हमने तो यूनिट मान लिया बनाया एक सजा के आपको दिया, तो देने का पीछे वजह क्या है, यू सी, आई मीन द रीजन इज कि कल तक आप इसको फिनिश कर दीजिए, कल नहीं तो 2-3 दिन में फिनिश कर दीजिए आप इसको। मैं 10 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूं, अभी फिर जाएंगे, अभी क्लास है 212 में। बैठिए ना, 2 मिनट बैठिए ना, 2 मिनट रुको ना। तो आप यहां पर लिख दीजिए सबरीमाला केस से, बिकॉज सी प्रोवाइडेड अ डिसेंट ओपिनियन, मतलब विरोध किए थे, तो आप लिखिए इंदु मल्होत्रा प्रोवाइडेड अ डिसेंट ओपिनियन, यू सी, यस चल रहा। और लास्ट आप जो दीजिए वो डायरेक्टली फ्रॉम बार है, वो है जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जो डायरेक्टली फ्रॉम बार है, यस करेक्ट यू आर, डायरेक्टली फ्रॉम बार है। कल तो मेरे को थोड़ा फुर्सत है इसलिए इसको थोड़ा एक्सीड करेंगे, तो आप जरा उसको ध्यान दीजिएगा, पी एस नरसिम्हा ब्रैकेट में लिखिए 2023 टिल डेट, यहां से कल प्रोसीड करेंगे, और मैं समझता हूं
कि करीब करीब 3-4 यूनिट तो पार कर ही जाएंगे। कल हम प्रोसीड करेंगे, 3 यूनिट को पार कर जाएंगे। आप जरा सा अपने भी काम कीजिए प्लीज। दिस इज माई डायरेक्शन एंड रिक्वेस्ट ऑल्सो, यू शुड वर्क ऑन योर ओन ऑल्सो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यूनिट के अनुसार बैठिए, है ना। अगर रात में आप पढ़ते हैं तो बैठिए, लेकिन यू प्रेफर टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, यू सी। उस समय बहुत शांति रहती है। लेकिन जैसे भी आप पढ़ते हैं, उठाइए 1 यूनिट साफ कर दीजिए, उठाइए 2 यूनिट निकाल दीजिए, और एग्जैक्टली वही चीज नहीं कीजिए, थोड़ा दाएं बाएं भी कीजिए। थैंक यू।